हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाई फाई स्टडी ज्वाइन में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईसीडी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर एक दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पैसिव एलिमेंट है। तो ऑप्शन ए दिया गया है आइडियल करंट सोर्स, और ऑप्शन बी दिया गया है आइडियल वोल्टेज सोर्स, ऑप्शन सी दिया है कैपेसिटर, और ऑप्शन डी दिया गया है ऊपर दिए गए सभी। तो बता दें दोस्तों, जो पैसिव एलिमेंट है यहाँ पर वो कैपेसिटर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दो दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एलिमेंट बायलेटरल है। ऑप्शन ए दिया है कांस्टेंट करंट सोर्स, ऑप्शन बी दिया है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, और ऑप्शन सी दिया है इंडक्टर, ऑप्शन डी दिया है FET। तो बता दें दोस्तों, जो एलिमेंट बायलेटरल है यहाँ पर वो इंडक्टर है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन दिया गया है दोस्तों, वोल्टेज सोर्स की तरह कार्य करता है। ऑप्शन ई दिया है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी दिया है जेनर डायोड, ऑप्शन सी दिया है फोटो डायोड, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो वोल्टेज सोर्स की तरह कार्य करता है वो होता है जेनर डायोड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चार दिया गया है, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, ऑप्शन सी दिया है कोर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर पाँच दिया गया है दोस्तों, निम्न में से एक ही डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी दिया है माइक्रोफोन, ऑप्शन सी दिया है कैपेसिटर, और ऑप्शन डी दिया है ट्रांजिस्टर। तो बता दें दोस्तों, जो एक्टिव डिवाइस का उदाहरण है यहाँ पर तो ट्रांजिस्टर है वो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर छः दिया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सिग्नल को प्रोसेस कर देता है। ऑप्शन ए दिया है पैसिव, ऑप्शन बी दिया है एक्टिव, ऑप्शन सी दिया गया है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सिग्नल को प्रोसेस कर सकता है वो एक्टिव है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सात दिया गया है दोस्तों, कौन सा एलिमेंट फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन ए दिया है रजिस्टर, ऑप्शन बी दिया है इंडक्टर, और ऑप्शन सी दिया गया है कैपेसिटर। तो बता दें दोस्तों, जो एलिमेंट फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है वो होता है रजिस्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आठ दिया गया है दोस्तों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप डाउन होती है। ऑप्शन ए दिया है वोल्टेज, ऑप्शन बी दिया है करंट, ऑप्शन सी दिया है पावर, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप डाउन होती है वो वोल्टेज के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार पहली बार डॉट ने किया था। ऑप्शन ई दिया गया आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी दिया गया जे थॉमसन एवं जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी दिया गया है जॉन जार्डिन एवं वाल्टर विट्रेन ने, और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार पहली बार जो किया था वो है जार्डिन एवं वाल्टर विट्रेन ने। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है दोस्तों, ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करने से मुख्य लाभ होता है। ऑप्शन ए दिया गया इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में कमी, ऑप्शन बी दिया गया हिस्टेरेसिस, ऑप्शन सी दिया गया एडी करंट लॉस कम होता है, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करने से मुख्य लाभ होता है वो होता है एडी करंट लॉस कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एवं इंजीनियरिंग ब्रांच है जो डॉट के साथ डील करती है। ऑप्शन ए दिया है इलेक्ट्रॉन की स्थिति, ऑप्शन बी दिया है इलेक्ट्रॉन की गति, और ऑप्शन सी दिया गया ए व वी दोनों, और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एवं इंजीनियरिंग ब्रांच है जो इलेक्ट्रॉन की गति के साथ डील करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, निम्न में से कौन से कैपेसिटर की वैल्यू उच्च होती है। ऑप्शन ए दिया है माइका, ऑप्शन बी दिया है सिरेमिक, और ऑप्शन सी दिया गया है इलेक्ट्रोलाइटिक, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो बता दें दोस्तों, कैपेसिटर की वैल्यू उच्च होती है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू।